नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का साप्ताहिक भगवद गीता कथा में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। देखिए अभी ये जो भगवद गीता कथाएं चल रही हैं ये सप्ताह में एक बार होती हैं और इन कथाओं को सुनना भगवद गीता के विषय में जानना भगवान ने जो कहा है उनको जितना सुना जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना हरे कृष्णा जुगेश प्रभु जी हरे कृष्णा पुनीति माता जी नीलम माता जी सभी लोग जो है जिन्होंने लिखा जो मुझे दिख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत सबको हरे कृष्णा सबको नमन। आप लोग अपने रविवार का इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके कथा सुनने के लिए आए हैं तो अभी जो कथा है ये कथा का भाव बहुत अच्छा चल रहा है। कथा का भाव कहाँ तक पहुंचा है कि किस तरीके से अर्जुन है वो बताने में भगवान कृष्ण को समझाने में लगा हुआ है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को समझाता है ना कि पापा मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ऐसा 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 है तो पापा बड़ा मुस्कुराते रहते हैं और सुनते रहते हैं बाद में समझाते बेटा तूने ऐसा किया तो है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे ही अर्जुन इस समय भगवान को बोला भगवान मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रहे हैं। अर्जुन दुखी है भगवान मुस्कुरा रहे हैं अंदर अंदर कि देखो कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है। और वो क्या बोलता है कि जैसे लास्ट टाइम आपने हमने देखा था ना कि लास्ट टाइम उसने क्या बोला था अधर्मा अभिभावत कृष्णा है ना अधर्म अभिभावत भवात कृष्णा। तो
अभिभवात, मतलब अधर्म के अभिभवात हो जाने से, प्रमुख हो जाने से क्या होगा, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, स्त्रियां क्या होंगी, कुलुषित हो जाएंगी, ये वो बोल रहा है। लेकिन और फिर वो उसकी बात जो है अगर देखा जाए तो वो बात सच्ची बोल रहा है, लेकिन उसकी बात की सच्चाई एक तरफ है, भगवान का आदेश एक तरफ है ना। कई बार हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सब कुछ बहुत सही कर रहे हैं, सामने वाले को गलत क्यों लग रहा है, मैंने तो ये काम किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने सब कुछ अच्छा किया, तो सामने वाले को इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है जो आप सब कुछ अच्छा सही कर रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना। कई बार मान लीजिए आपने घर में नीला पेंट कर दिया और सोचा ये सामने वाले को मैं खुश कर दूंगा कि मैं नीला पेंट मैंने किया है, लेकिन सामने वाले को तो हरा पेंट पसंद है, नीला पेंट से उसको एलर्जी है, तो क्या करेंगे, वो क्या फूंक दिया, बर्बाद कर दिया इसको, क्यों नीला कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आता नीला तुमने क्यों कर दिया, क्यों? क्योंकि जो है ये जो नीला पेंट है ये आपको पसंद हो सकता है, उसको पसंद नहीं होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है, यहाँ ऐसा नहीं कि अर्जुन को पसंद है भगवान को पसंद नहीं, भगवान को एलर्जी है, नहीं, भगवान यहाँ पर किसी और मकसद से आते कार्य करते हैं, लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन क्या सोचता है कि अगर मैं करूंगा तो वो क्षणिक चीज देख रहा है, वो अभी छोटा, वो छोटा कदम चल रहा है और भगवान बड़े कदम में चल करके उसको समझाना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं 1.41 श्लोक में, लास्ट टाइम मैंने 1.40 तक किया था। 41 क्या कहता है, 41 में मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, इसको दोहराइए, कहते हैं अर्जुन, शंकरो नर का यौवा कुलग्नानां कुलस्य च पतंति पितरो हि दोषम, तो पितर ही ये शाम है ना, पतंति पितरो ही ये शाम लुप्त पिंडो तक क्रिया, कहता है ही ये शाम मतलब अरे इनके निश्चय ही क्या होगा, संकरो अगर ऐसे अवांछित बच्चे पैदा होंगे, अवांछित बच्चे मतलब जब जो है उनकी प्रॉपरली शादी नहीं हुई है लड़का लड़की की और सही सेम जात में नहीं हुई है, तो जो है या शादी हो चुकी है तो एक प्रकार से क्या होता है, जाति अलग अलग है तो भी पति पत्नी मिलकर के एक हो जाते हैं, इसका दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी लोग जो है कुल वगैरह मिलाते हैं ताकि बिल्कुल सही तरीके से शादी हो, और उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं और शादी नहीं हुई होता उसके बाद, उसके अलावा जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो अवांछित बच्चे कहलाते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजीज में अमेरिका में कहा जाता है कि बहुत एबॉर्शंस होते रहते हैं क्योंकि अवांछित बच्चों की भीड़ लगी है वहां पर, है ना, एबॉर्शंस हो जाएंगे, कुछ बच भी गए तो अवांछित बच्चे हैं, तुमको पता नहीं हो कहाँ से हैं, कई लोग इधर उधर छोड़ आते नहीं मारते, कई लोग छोड़ देते हैं तो जो है इधर उधर चले जाते हैं, अनाथ आश्रम चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि उनका क्या किस परंपरा को फॉलो करते हैं, तो जिसके साथ जुड़ गए वही परंपरा हो गई। उदाहरण के तौर पर अगर एक ब्राह्मण का पुत्र अगर एक अवांछित बच्चा है और माँ ने, जैसे कुंती माता जी ने क्या किया था, कर्ण को जो है छोड़ दिया था, उठा के ले गया कोई और, अब जो उठा के ले गया वही बन गया, हो गया वो सूत पुत्र हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो लेके चला जाता है वो अपनी परंपरा सिखा देता है, और उस परंपरा के सीखने के बाद क्या होता है, कर्ण जैसा महान धुरंधर क्षत्रिय व्यक्ति वो किसके साथ जुड़ गया, अधर्म के साथ जुड़ जाता है। जब वो अधर्म के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, वो अधर्म का साथ देगा और विनष्ट और विनाशकारी कार्य करेगा, यही हुआ ना महाभारत में। तो इसलिए जो अवांछित बच्चे हैं ना, इधर अर्जुन यही बोल रहा है, संकरो नर काये वो, है ना, ऐसे अवांछित बच्चे नर काये, नारकी जीवन जीने के लिए, एव निश्चय कुलग नानाम कुल का वध करने वालों के कुलस्य के चा भी पतंती गिर जाते हैं पितरा पितृगण ही निश्चय ही क्या एशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया नृत, है ना। यानी जो क्या है, जो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा के को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है ना, परिवार के लिए क्या है, नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती है। कितना सही बात बोला, देखिए आपको ये बहुत बड़ा विज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। भगवत गीता क्या है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, या कह सकते हैं आध्यात्म क्या है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हम आध्यात्म को बहुत बड़ा विज्ञान नहीं समझते ना, तो क्या होता है हमारा, हम बहुत, जैसे आप सोचिए आपका मोबाइल आपके हाथ में है, व्हाट्सएप से आप
किसी को हरे कृष्णा भेजते हैं और उसके पास हरे कृष्णा पहुंच जाता है। अगर ये हरे कृष्णा उसके पास पहुंच गया तो क्या इसके पीछे की टेक्नोलॉजी सबको पता है क्या? नहीं पता कि क्या आपने तो इधर हरे कृष्णा भेजा और अमेरिका में किसी को हरे कृष्णा पहुंच गया, ये कोई ना कोई इसके पीछे एक साइंस लगा हुआ है। हम उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करते, लेकिन जब कोई कहता है कि यहाँ पितृकुल को आप थोड़ा यहाँ से जल अर्पण कर दो तो उसमें क्वेश्चन मार्क लोग पूछते हैं, उससे क्या फायदा होगा, पानी हम यहाँ दे रहे हैं वहां कैसे मिल जाएगा। लेकिन इधर अर्जुन कहते हैं कि अगर पितृकुल को जल और पिंडदान नहीं दिया गया, अगर समाप्त हो गया तो पितृकुल नीचे गिर जाएगा, और अगर वो नीचे गिर गए तब क्या होगा, अगर वो जो पितर है वो नीचे गिर गए, पतित हो गए और नीचे गिर गए तो वो आपको गाली देते हैं। कि देखिए एक सिंपल सा सीन ही है, जैसे आप लोग देखिए बहुत से लोग इस समय हैं जो इतवार का दिन है या तो आज के दिन अभी सो रहे होंगे कथा के समय पर, या तो बहुत से लोग जो है अपने ऑफिस का कार्य कर रहे होंगे, उनसे फोन करिए प्रभु जी मेरे ऑफिस का बहुत काम चल रहा है। अच्छा, बहुत ऑफिस का काम चल रहा है, उसमें बिजी होंगे। या तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग इधर उधर कहीं भटक रहे होंगे, सामान वामान खरीदने गए होंगे, ये सब कार्य लोग कर रहे हैं, बिजी हैं, तो उनको क्या है ना, उनको भक्ति करने का समय नहीं मिल पाया। आप लोग तो बहुत बहुत प्रमुख लोग हैं जो लोग कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कहते हैं उनको जो है ना भक्ति करने का टाइम नहीं मिल पाया। अब जब भक्ति करने का समय नहीं मिल पाया तो क्या होता है, वो भक्ति कर नहीं पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो सांस तो एक दिन ऐसा है कितना भी निश्चय कर ले प्राणी एक ना एक दिन जाएगा। कर तू करेगा कृष्ण पूजा भक्ति तभी कुछ ही पाएगा, अरे कितना भी प्रयत्न कर लो। लेकिन हमने क्या किया, ये पूरा हमने पूरा घर परिवार चलाने में, और क्या हुआ, अंतिम सांस आई और शरीर छूटकर चला गया। अब जब वो पहुंचा ऊपर आत्मा, उसको पता चला जी मैंने तो पूरा जीवन, जब यहाँ कथा हो रही थी तो मैं कह रहा था मैं तो बिजी हूं, मैं कथाओं को नहीं ज्वाइन किया, मैंने कभी भगवान की नाम नहीं लिया, कभी माला नहीं करी, कभी मैंने भक्ति नहीं करी, धाम दर्शन नहीं किया, बड़े वैष्णव की सेवा नहीं करी, साधु संत की सेवा नहीं करी, दान दक्षिणा नहीं दिया, अरे ये सब करता रहा। अगर ये से प्रश्न मानता आएंगे और तब वो बोला जाएगा कि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे पास एक ऑप्शन और है, अरे कौन बनेगा करोड़पति, हाँ। एक और ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, अगर तुमने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया होगा तब क्या होगा, तुमने अगर अपने बच्चों को सही संस्कार दिया होगा तो तुम्हारे वो बच्चे तुमको तार सकते हैं। तेरा तो टाइम गया भाई, ये शरीर तुझे दिया था पार करने के लिए, तू नहीं कर पाया, तू डुबो के आ गया, ठीक है, अब कौन, अब तेरे बच्चे जो जन्म लिए वो तुझको तेरी इस नाव को खींचेंगे बाहर। अब तूने अगर संस्कार दिया होगा कि तू बहे बच्चों मेरे नाव को खींचना मेरे मरने के बाद, तो बच्चे खींचेंगे, और अगर मान लो नहीं दिया तो बच्चे तो नहीं खींचेंगे ना। यानी वो ऑप्शन नंबर दो है, पहला ऑप्शन आपके पास शरीर है, आप कथा सुनो, कथा ज्वाइन करो, जपा करो, माला करो, भगवान दर्शन करो, सब कुछ करो, नहीं आपने कर पाए जीवन में क्योंकि आप परिवार बच्चे बीवी यही करते रह गए, तो उस वक्त इससे बाहर निकल गए, आपने तो शरीर छोड़ दिया, अब आपने साधन को त्याग कर दिया, ये है साधन। जैसे मेरा काम है, मेरे गुरु ने बोला कथा करो, मैंने कथा करना शुरू कर दिया, तो ये मेरा साधन का उपयोग होगा। अगर मेरे गुरु ने कहा कि कथा करो और मैंने नहीं किया तो ये मेरे साधन का दुरुपयोग होगा, है ना। तो क्या है, मैंने अगर मैं साधन का उपयोग करूंगा ये साधन मुझे साध तक लेके चला जाएगा। साध, अब आप मुझे यहां तक, मैं कहां जाना चाहता हूं वहां तक मुझे साधन लेकर के चला जाएगा। और अगर मान लो मैं नहीं ले जा पाया तो अगला कौन है, मेरे पुत्र इत्यादि है, और मेरे पुत्र क्या है, उनको मैंने संस्कार दिया नहीं, तो हम जहां गए होंगे, मान लीजिए अपने स्वर्ग लोग भी चले गए होंगे तो वहां से नीचे गिर जाएंगे, पितर लोग चले गए होंगे तो वहां से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि अगर एक भक्त पैदा हो जाता है तो अपने पुरखों को उठा देता है, कितना सिंपल। तो ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो है नीचे गिर जाते हैं, जिससे बच्चों को जो है अब क्या क्या खिलाया जाएगा, पुरखों को कैसे खिलाया जाएगा। जैसे आप भोग बनाते हैं, भोग हम खाते हैं, भोग अग्नि को खिला दिया तो वो प्रसाद, अगर वो नरक लोक पे पड़े होंगे आपको पता है, मान लो पितृ क्या हुआ, हमारे पिताजी ने मान लो हमको पालन पोषण करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए मान लो चोरी करा करते थे, वो चोरी कर करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे,
और वो चोरी चोरी करते करते एक दिन मर गए। तो वो कहाँ चले गए? वो नरक लोक को चले गए। अब वो नरक लोक पे गए, लेकिन जो परिवार के जो सदस्य है उनमें से एक व्यक्ति जुड़ गया इस्कॉन से और भगवान कृष्ण से वो जो है एसोसिएट हो गया और भगवान की भक्ति करने लगा, और उसको पता चला ये श्लोक उसने पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा? ये श्लोक जो अभी मैंने आपके सामने दिखाया था। कौन सा श्लोक? ये वाला श्लोक। क्या? संकरो नर काय कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिण्डो दत्त क्रिया। यानी बोला अरे ये जो अगर ये श्लोक पढ़ते उसको पता चल गया कि ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। ओहो, ये तो हमारे पिताजी जिंदगी भर चोरी करते रहे, उन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने हमको ये चीज नहीं बताई, लेकिन ऐसा करना चाहिए। और वो क्या करेगा? भगवान को भोग लगाएगा। भगवान को भोग लगाने के बाद वो क्या कर सकता है? भगवान को भोग लगा करके वो एक बार पितर पिंड किया करेगा और प्रसाद खिला देगा। और अगर वो पिताजी नरक लोक में भी पड़े होंगे ना, तो ये प्रसाद जैसे ही यहाँ से जाएगा, जैसे व्हाट्सएप से हरे कृष्णा हेलो हाय भेजते हैं और वो अमेरिका पहुंच जाता है, यहाँ जो पितृपक्ष के दौरान जो लगाएंगे, आप तो हर महीने खिलाइए अपने पितरों को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एक महीने में एक बार खिला दीजिए और वो खाना फिर जो है गायों को खिला दीजिए, उससे सीधे पहुंच जाता है आपके पितरों के पास, तो वो जो है रखेगा। और वो प्रसाद कहाँ पहुंच गया? सीधे पहुंच गया नरक लोक में। और जैसे उसने प्रसाद धारण किया वो शुद्ध हो गया, और जैसे वहां पे वो शुद्ध हुआ सीधे शूट कर गया ऊपर के लोगों में। सोचिए, यानी आपने यहां रह करके आपने सीधे ऊपर के लोगों में भी कार्य कर दिया, है ना। तो जो है एक आरके शास्त्री जी हैं जो लिखने में लगे हैं, ये मोबाइल नंबर है, अगर आप किसी परेशानी में हो तो फोन करो, लो प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। प्रेम के कह रहे लव प्रॉब्लम्स, किसी को अगर प्रेम की समस्याएं हैं, अगर आपको लड़की छोड़ के चली गई है, ये लड़का छोड़ के चला गया प्रेमी को, प्रेमिका छोड़ के चली गई है प्रेमिका को, तो इन्होंने बोला है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और हमारे प्रेमी तो कृष्ण है और कृष्ण तो हमको कभी छोड़ते नहीं है। तो जे उनको हमने भुला दिया पर उनने हमको कभी नहीं भुलाया, है ना। तो जे कहते हैं हम भूलते रहे ऐ कान्हा तूने नहीं भुलाया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, है ना। हम भूलते रहे पर कान्हा तूने नहीं भुलाया। भगवान कहते मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा क्योंकि तू तो मेरा अंश है। पिता अपने पुत्र को नहीं भूलता कभी, भले तो पुत्र पिता को भूल जाए। तो जो हमारे प्रेमी है इनसे हमको थोड़ा सा शास्त्री जी नहीं मिलवा पाएंगे, हमें पता है। ये भौतिक प्रेम भले मिलवा सकते हैं कुछ, तो जिनके कोई प्रेमी छूट गए कृपया शास्त्री जी से कॉन्टेक्ट कर ले, पता नहीं कौन है ये मत सोचिए। एक बार प्रभु जी ने कॉल किया, प्रभु जी बीच बीच ऐसे कोई मैसेज डालते रहते हैं, वो आपके जानने वाले हैं क्या? हमने कहा हमारे जानने वाले ऐसे मैसेज नहीं डालेंगे, ये कोई ऐसे है। तो शिल्पी माता जी डिलीट मारती रहती है ऐसे मैसेज को, लेकिन तब भी कि जो है तभी लोग सोचते हैं कि ग्रुप में जहां चर्चाएं चल रही है वहां पैसे डाल दो, उनका प्रचार प्रसार हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो कहते हैं तो यानी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें अपने पूर्वजों जो चले गए हैं, यानी हम तो अगर भगवान कृष्ण से जुड़ गए हैं, हमें पता चल गया है कि पतित कुल पुरखे नीचे गिर जाते हैं, तो जो है क्या करना चाहिए हमें? किसी भी तरीके से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें और पितृकुल को तारें। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या जो है अब हम भक्ति में अगर ज्यादा ध्यान लग गया और बहुत भक्त बन गए, बड़े भक्त बन गए और भूल गए, तब क्या होगा? चलिए मैं आपको एक श्लोक जहां कोशिश करता हूं, अगर मैं इधर दिखा पाया कोशिश करता हूं, जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं अगर इसमें आपको एक श्लोक दिखा देता हूं, अगर मैं दिखा पाया तो एक सेकेंड इसमें तो मैं चाहता हूं आपको मैं वो श्लोक दिखाऊं, जो श्लोक जो है आपको आनंद आएगा देख करके। देखिए देखिए तो बताइएगा। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, एटलीस्ट इसको हटा देता हूँ। इस श्लोक को देखिए,
ये जो श्लोक है ना, इसको देखिए, भागवत में 11.5.41 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि कहते हैं देवर्षि, आप लोग सबको दिखने लगा ना, मैं फिर बोलूं, ठीक है, देवर्षि भूताप्त निणा पितृणाम ना किंकरो नाय मृडी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। मतलब जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों सज्जनों मनुष्यों पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है ना। यानी अगर कर्तव्य से मुक्त होना है तो देवर्षि भूताप्त निणा पितृणाम है ना, सभी देवताओं के मुनियों के ऋषियों के पितृणाम पितरों के है ना मनुष्य सभी के कर्तव्य से मुक्त होना है तो भक्त बन जाइए। मुकुंद के चरण कमल को धारण कर लीजिए, भगवान कृष्ण के चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर लीजिए, इन सबके ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे वाह, मैं तो डेली 16 माला करता हूँ, मैं तो जो है ये करता हूँ वो करता हूँ, इसका मतलब मैं तो अब ऋण से मुक्त हो सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये परम भक्तों के लिए बताया गया, अभी नहीं, अभी हमारी स्थिति नहीं है, अभी तो हमें करने पड़ेंगे क्रियाएं। जिस दिन हम जो है अपनी इन क्रियाओं से मुक्त हो जाएं, जिस दिन हमें लगे कि हाँ अभी बिल्कुल सही हो गया है, उस दिन बिल्कुल सही है, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मतलब जिस दिन हम भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि भगवान की भक्ति के अलावा हमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं है कि मैं मेरे बच्चे टॉपर बन जाए, मैं बहुत बड़ा मैनेजर कंपनी का मालिक बन जाऊं, मैं जो मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे सामान आ जाए, मेरे पास ये घर छोटा है बड़ा घर मिल जाए, कार छोटी है बड़ी कार मिल जाए, हम यहाँ से वहां पहुंच जाए, वहां से यहाँ पहुंच जाए, ये सब चीजें जिस दिन मन से विचार खत्म हो जाए तो उस दिन समझ लीजिए कि केवल भगवान की भक्ति में लग गए और कुछ दूसरा चीज नहीं चाहिए, है ना। अभी चाहिए, अभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम भक्ति नहीं, तो अभी हमको सब ये कार्य, ये श्लोक के जानने के बाद भी, ये श्लोक कब के लिए, जब हम पूर्ण रूप से भक्त हैं तब के लिए, है ना। चलिए अगले श्लोक में आते हैं, 1.42 में। 1.42 में क्या अर्जुन कहते हैं, अपने तर्क के ऊपर तर्क दिए पड़े अर्जुन, दोषई रेतई को लग्ना नाम वर्ण संकर कार कई उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश शाश्वताः। कहते हैं जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। कहते हैं सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित, प्रभुपाद जी कहते हैं समाज, मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है जो अगर कोई कुल परंपरा को कोई विनष्ट कर दे और अवांछित संतानों को जन्म दे दे तो क्या होगा, वो अवांछित संतानों को कुछ पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है तो क्या होगा, वो जब उन चीजों को जान नहीं पाएगा जिस समय कि चल क्या रहा है, सामुदायिक योजनाएं क्या है, तो पारिवारिक कल्याण कार्य क्या है, जब ये सब विनष्ट हो जाते हैं ना तो क्या होता है, ये सब क्या है, तो विनष्ट हो जाएगा। यानी हमें पता नहीं चला कि हमारी योजनाएं क्या है, है ना। तो योजना मतलब कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अवांछित संतानें जब होती है ना तो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाती, क्योंकि उनका उनका जीवन का उद्देश्य कोई बताता नहीं है। लेकिन हम लोग तो जान सकते हैं ना, हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम सनातन धर्म चला रहा है जहां पे भगवान कृष्ण परम भगवान है, ये शुरू से पता चलता जा रहा है ना। तो हमें उनकी सेवा करना है ना। यज्ञ अर्थात कर्मो नत्ता लोको एवं कर्म बंधना, इस कर्म बंधन से अगर मुक्त होना है तो केवल और केवल किसके लिए काम करना है, कृष्ण के लिए कार्य करना है, अपने सारे कार्य कृष्ण को समर्पित करना है। इस भाव को हृदय में रख करके हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो आज ये हमको ये समझ में आना चाहिए कि अर्जुन किस तरह से बार बार जो है सुन करके वो पश्चात बोलने में लगा है भगवान से, और कहने में लगा हुआ है कि भगवान युद्ध ना करने के मेरे इतने कारण हैं, कृपया आप इन कारणों से मुझे मुक्ति दें। मैं नहीं चाहता कि जो है मुझे इस युद्ध से मुक्ति दें, क्योंकि मैं अब ये नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, क्योंकि ये सब चीजें मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। भगवान लगातार सुनते जा रहे हैं, आज हमने इतना सुना, आगे हम सुनेंगे 43-44 आगे। आज हम थोड़ा धाम यात्रा भी करेंगे, अभी हम निकल जाएंगे वृंदावन यात्रा के लिए। तो जो है हो सकता है कल की कथा ना हो पाए,
को देखेंगे। अगर हम आ गए आज के दिन ही तो कल कथा होगी, नहीं तो कल कथा नहीं हो पाएगी, है ना। तो जो अगर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आज ही हो रहा है कथा, उस कथा में आपने 41 और 42 श्लोक देखा, कल अगर नहीं हो पाएगा तो परसों कथा जरूर होगी, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्णा।